ये बूढ़ी दादी इस लड़की का गला दबाकर उसे मारने ही वाली थी, तभी यह लड़की गाड़ी को चालू करके तेज गति से गाड़ी को आगे ले जाती है, जिस वजह से गाड़ी आगे जाकर टकराने वाली थी। इसलिए लड़की जल्दी से सीट बेल्ट को पहन लेती है, फिर गाड़ी जाकर एक दूसरी गाड़ी को टकराती है, जिस वजह से बूढ़ी दादी उछलकर गाड़ी के आगे जाकर गिर गई। इसलिए उसके दांत उसके मुंह से अलग हो गए और उसे बहुत चोट लगती है। इस वजह से बूढ़ी दादी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस लड़की को काटने के लिए उस पर हमला करती है और उसके मुंह को चबाने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ी दादी के तो दांत नहीं होते, जिस वजह से वो उसे नहीं काट पाती और लड़की बूढ़ी दादी को धक्का देती है। फिर बूढ़ी दादी अपने दांतों को खोजने लग गई और दांत उठाकर फिर से अपने मुंह के अंदर फिट कर देती है और वो उसे काटने ही वाली थी, लेकिन ये लड़की एक स्टील स्केल को लेकर बूढ़ी दादी के मुंह के अंदर डाल देती है, जिस वजह से स्केल उस बूढ़ी दादी के मुंह के अंदर ही फंस गया और बूढ़ी दादी उस स्केल को अपने मुंह से निकाल कर फेंक देती है। तब ये लड़की उस बूढ़ी दादी को लात मारकर गाड़ी के बाहर फेंक देती है। आगे की कहानी के लिए कमेंट्स पर पार्ट 3 लिखिए।